हालात मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करने जाते हैं, पर यहाँ पे बहुत रश होता है। पता नहीं मैं कुछ नहीं खरीद पाऊंगी, पता नहीं। पर हम लोग मालाल मार्केट, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि हम यहाँ पर ब्लॉगिंग कर सके और यहाँ पर हम शॉपिंग कर सके। तो बहुत रश था, मुझे चीज़ें तो पसंद आई बट मैं ले नहीं पाई क्योंकि इतना रश था। और सुबह हमारा शूट भी आना है तो हम लोग चलते हैं दूसरे मार्केट में। मैं ट्रेन में चलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। देखो मैं पीछे इतनी सारा रश है, पता नहीं ट्रेन में चलने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा पीस चाहिए तो कम करके लगा। मुझे शूज़ चाहिए और बस वो दो चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी। और बाकी तो दिवाली की शॉपिंग धीरे धीरे चलती रहेगी, देखते क्या होता है। दिवाली आ रही, सारा हमारा शॉप कितना चमक दमक रहा है। जिस जिस जो 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 भी मेरा वीडियो देखता है, जिस जिस गांव में, जिस जिस देश में मेरा वीडियो पहुंचता है, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों के शहर में भी ऐसे ही प्यारी प्यारी लाइटिंग जलती है, तो मज़ा आ जाएगा, मेरी दिवाली की शॉपिंग हो जाएगी। चालीस में दे रहे हो? दो सौ रुपये में दे दो। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है। नहीं हाँ। तो में आता है। में आता है। रख लो। दादी वाला सूट कैसा? दादी कैसा? तो गाइस अभी तक मुझे कोई, मेरे बजट तक मुझे कोई चीज़ नहीं मिली है। बड़ी मुश्किल है छोटी चीज़ें लेने के लिए, कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ी। मुझे तो सिर्फ 250 वाली चीज़ें मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। ऐसा ये वाला अगर चीज़ अच्छी हो तो पैसे देने में अच्छा लगता है, वो चीज़ ही अच्छी नहीं है और वो चीज़ सस्ती में ना मिले तो दिमाग का बैंड हो जाता है। तो मैंने इसलिए कुछ लिया नहीं। अब हम चलते हैं स्टार मार्केट, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करते, देखते अगर वहाँ पे अच्छा लगा तो वहाँ से मुझे सबसे पहले अपने लिए। तो गाइस देखते हैं आज मेरी शॉपिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इतना सा ट्रैवल, मुझे बस एक सूट चाहिए, बस अच्छा सा मुझे सूट मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं आज फाइन सूट मुझे मिलता है या नहीं मिलता है।
कम करोगे तो ही लूंगी। कम करोगे? मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या खरीदना चाहिए। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़े टाइम बाद। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ, आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। तो लक्ष्मी जी ने कहा चल सहेली, तो प्रयास ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे होते हो गया लंबा। तो फ्रेंड हैप्पी दिवाली, मैं आप लोगों को अपना लहंगा भी दिखाऊंगी और प्लस मैं आपको अपनी बिल्डिंग का डेकोरेशन दिखा दूंगी। मुझे फाइनली मैं 4 दिन से शॉपिंग करेगी पर मुझे कोई भी अच्छा लहंगा नहीं मिला और मैं बस रात को मैंने ये सोचा है मैं कुछ कपड़ों को ज्वाइन करके उसकी साड़ी बनाऊंगी और उसको फोटो शूट करूंगी और ये रही मेरे लहंगे। ये है मेरा लहंगा। फोटो शूट करने के लिए मैं एक साड़ी का जुगाड़ करके रात को फोटो शूट करूंगी और कल उसका वीडियो बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी। अभी लूंगी।
ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और हम ऐसे ही घूम रहे वेल्ले, हमारे पास कुछ काम धाम नहीं है। पटाखड़ी वाला जो बंदा है वो भी कहीं भाग गया है, देखते हमें वो मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसे मेरे शॉर्ट वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में ऐना है, ऐना चैनल एडवेंचर, उस चैनल को भी जल्दी से लाइक करो और हम दोनों को जल्दी से प्लीज गोल्डन बटन दिला दो। हम सिर्फ देखते रहेंगे कि नीचे भी जाएंगे। तो गाइस मैं हूँ, यहाँ पे हो रही है पटाखड़ी फोड़ धमाकेदार। अगली दिवाली में बजेगा, उसकी आवाज अगली दिवाली में आएगी। अच्छा तो सुन दे, अभी देख, अभी तो चल रहा है, ये गया ऊपर, अभी अगली दिवाली में फट करके चलेगा। तो गाइस आप लोग जो देख रहे हैं, ये अगले दिवाली को ये चांद के अंदर से आएंगे तब फूटेंगे हमारी, हमारा ये कौन सा फटाका, हमारा रॉकेट फुसकू है, फुसकू। तो ये वो साउंड वाले ना, सर क्या ये अगले दिवाली को वापस आएगा? क्या इसकी सनसनी खबर ये है कि पिछले 10 घंटे से पटाखे फोड़ा जा रहा है, पटाखे लोगों को बंद नहीं हो रहे। तो गाइस जिसके देश में
ऐसा हो रहा है, प्लीज पटाखड़ी बंद करवा दीजिए। पटाखड़ी खोना बहुत गलत बात है। ये देखिए, ये भी जाके खुश हो गया। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं।